हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शॉपर में वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप सभी को अपडेट दी थी कि एनईपी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के डेट शीट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है। अब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर को डेट शीट को लेकर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे वो आपका एक दिन में बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं इनका एक दिन में दो पेपर पढ़ रहा है, तो आपको पहला पेपर कौन सा देना है, कितने बजे देना है। इसके अलावा अगर आपका कोई एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसकी एग्ज़ामिनेशन डेट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके यूजी कोर्स की एग्ज़ामिनेशन डेट अगर आपस में क्लैश कर रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या रहेगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेट शीट है उसके बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किन किन स्टूडेंट की डेट शीट आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनना, जो बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के और यहाँ पर आपके जो थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पर अपनी डेट शीट बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है बीकॉम ऑनर्स SOL और यहाँ पे आपको BA प्रोग्राम SOL, ये केवल आपकी एक डेट शीट है। यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका स्किल एनहेंसमेंट का हो, एबिलिटी एनहेंसमेंट का हो, वैल्यू एडिक्शन कोर्स का, जितने भी आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट हैं, उन सभी के सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो केवल आपको जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हो अपने BA प्रोग्राम की डेट शीट, जो BCom ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो BCom ऑनर्स की अपनी डेट शीट को केवल डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आपको नीचे जो यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट दी गई, इनको डेट शीट को डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी डेट शीट में आपके सभी सब्जेक्ट की जो एग्जामिनेशन डेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो अनदर कोर्स हैं, जैसे आपका बीए ऑनर्स है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बीए ऑनर्स जिसमें आपका पोल साइंस है, इंग्लिश है या फिर आपका बीबीए और बीएमएस है, इन सभी की जो डेट शीट है आपको अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे अगर यहाँ पे आप बीए ऑनर्स की डेट शीट डाउनलोड करते हैं जिसमें आपका रेगुलर SOL के हैं, तो इसमें केवल आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनकी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो यहाँ पर आपके BA वोकेशनल है, BA वोकेशनल स्टडीज़ है, BCom प्रोग्राम है और यहाँ पे आपका BSc हो गया, और BSc इसके अलावा BTech है और यहाँ पे 5 इंटीग्रेट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी के यहाँ पे जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी अपने एग्जामिनेशन की डेट। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है, जर्नी कलेक्टिव है, स्किल एनहेंसमेंट है और वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, इनकी यहाँ पर आपको अलग से अपनी डेट शीट डाउनलोड करके चेक करनी पड़ेगी कि आप सभी के एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन सब्जेक्ट और जर्नी कलेक्टिव सब्जेक्ट है, जितने भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनकी डेट शीट के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया कि कौन सी डेट है आपको कहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनको अपनी डेट शीट को देखना काफ़ी अच्छी तरीके से आता है कि आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या है, कितने बजे होगी। यहाँ पर मेनली जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने SOL में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, तो उनको यहाँ पर काफ़ी डाउट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उसके एग्जामिनेशन डेट या उनके जो सब्जेक्ट हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कब उनके एग्जामिनेशन की डेट है, कितने बजे पेपर जाने देने जाना होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं। तो पहले जो वीडियो आपको मैंने कल प्रोवाइड की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है अपने डेट शीट को समझने में, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके एग्जामिनेशन की डेट इतने तारीख को है और आपके ये सब्जेक्ट है, कितने बजे आपको पेपर देने जाना होगा और क्या तारीख रहेगी, किस तरह से आपको अपनी डेट शीट को देखना है, तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिन्होंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है क्लैश कर रही है, चाहे वो आपके कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन की डेट किसको छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये आपकी जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब ये होता है कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन जब आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होंगे, जैसे जनवरी 8 जनवरी में आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ठीक उससे 20 से 25 दिन पहले आप सभी के एक फ़ाइनल डेट शीट
जो है रिलीज़ की जाती है, और फाइनल डेट शीट जो कि केवल नाम की रहती है, यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। जो टेंटेटिव डेट शीट रहती है वही यहाँ पे आपको फाइनल डेट शीट मानकर ही चलना होता है। हो सकता है बाई चांस अगर आपको कुछ आपके अपने एक आध सब्जेक्ट में, ज़्यादातर नहीं केवल एक आध सब्जेक्ट में, अगर आपको अपने एग्ज़ाम की डेट अलग देखने को मिले, जो कि कई बार होता भी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना होगा। क्यों, डेट शीट में जो रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन, जैसे अगर आपका एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन ही 8 जनवरी को है, और फाइनल डेट शीट अगर निकलती है रिलीज़ होगी तो उसमें 8 जनवरी ना देकर यहाँ पे आपके 10, 11, 12, ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12 जो है आपकी डेट शीट जो डेट रहेगी एग्ज़ाम की डेट, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर कुछ चेंजेस हुआ तो। अगर कहीं ऐसा कुछ, और कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम डेट में कुछ चेंजेस होंगे तो कुछ ऐसे हिसाब से होंगे, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम अभी 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं तो जो फाइनल डेट शीट आएगी वो आपका 20 जनवरी से स्टार्ट होगा या 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, इतना लंबा जो गैप है आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस बात का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जिनकी एग्ज़ामिनेशन की डेट क्लैश कर रही है किसी भी एग्ज़ाम के साथ, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो या कोई भी अंदर एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए जो एग्ज़ाम है कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो इनको दोबारा आप दे सकते हैं बाद में, लेकिन अगर यहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या कोई प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे थे उसका एग्ज़ाम है और उसको यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस सब्जेक्ट का या किसका यहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग भी आपको अपनी डेट शीट में देखने को मिल जाएगी कि एग्ज़ाम टाइमिंग कितने बजे है। 9:30 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग में दोस्तों आपका जो है 2:30 बजे एग्ज़ाम जो है स्टार्ट रहने वाला। इसके अलावा जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं इनका एक दिन में जो एग्ज़ामिनेशन के डेट है, एक दिन में 2 बार आपके पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को जो यहाँ पे फॉलो करना होगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको बीए प्रोग्राम की जो डेट शीट है इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल इस वीडियो में भी इतना ही, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना।